हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन। तो आज का टॉपिक कुछ काफ़ी डिमांड में और काफ़ी वेट की जा रही है कि व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स, या जो दूसरी साइड से ड्रोन मिलते हैं वो इंडिया में इतनी आसानी से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या हो सकता है। मैं अपने विचार या अपने जो प्रडिक्शन है, एक दो मैंने लोगों से बात की है वहाँ पर जो मुझे जानते हैं, तो सबका जो मिला जुला जो है हिसाब था वो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ कि क्यों लग रही है देर, व्हाट इज़ द रीज़न। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ जानने के लिए। तो आज एट प्रेजेंट काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट है ड्रोन्स लेने के लिए, और बिगिनर ड्रोन सब लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को ड्रोन का नॉलेज या उनको उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हाई एंड ड्रोन्स पे नहीं जाना चाहते अपने पहले ड्रोन के लिए, जैसे DJI के ड्रोन्स, या क्योंकि वो DJI के ड्रोन्स का सेगमेंट 35-40 से स्टार्ट होता है, तो लोग चाहते हैं कि पहले अपना हाथ साफ किया जाए। तो उसके लिए DJI ने भी टेलो को राइजिंग के साथ मिलकर टेलो लॉन्च किया, बट वो भी इंडिया में अभी उस प्राइस पे नहीं मिलता जिस प्राइस पे मिलना चाहिए। वैसे वो 6-7 हज़ार का ड्रोन है, यहाँ पर 10,000-11,000-12,000 का मिलता है, फिर भी लोग उत्सुक हैं लेने के लिए। उसके अलावा काफ़ी मॉडल्स हैं जो कि बाहर लॉन्च होते हैं, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हो पा रहे, और लोग देखते हैं दूसरी साइड्स पे, बैंगलोर पे, अली एक्सप्रेस पे देखते हैं वो ड्रोन्स और लेना चाहते हैं, और काफ़ी लोग उनको ऑर्डर कर देते हैं जहाँ से मैं आके उनको नहीं मालूम रहता। तो जो भी ये लोग ऐसे ही मतलब पहली बार देख रहे हैं ये, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम लेते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ड्रोन टाइप्स, ड्रोन रेगुलेशंस। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इंडियन प्राइस में इतने हज़ार का है, और वो डिटेल नहीं पढ़ते और काफ़ियों को पता नहीं होता, और वो ऑर्डर कर देते हैं बैंगलोर वगैरह .com से, जैसे 5,000 का ड्रोन, 6,000 का ड्रोन, 4,000 का ड्रोन। बट होता ये है कि इट इज़ नॉट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा अभी तक एयरपोर्ट पे ड्रोन, नंबर एक क्यों नहीं कर रखा, जब लीगल कर दिया है तो एयरपोर्ट्स पे अभी ड्रोन अलाउ क्यों नहीं है। जब ड्रोन लीगल हो गया तो उसको बाहर से, जब वो पैकेज पर्सनल यूज़ के लिए आ रहा है, उसको क्यों कन्फिस्टिकेट किया जा रहा है? तो ये कुछ सवाल है जिनका आंसर मैं आज आपको दूंगा, और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं और काफ़ियों के क्वेरीज क्लियर होंगी। तो पहले तो बता दूं कि रेगुलेशन अभी क्या है। रेगुलेशन पहले भी बता चुका हूँ, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी आप इन बाहर की साइट से इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये अलाउ ही नहीं किया गया इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट करवाने के लिए टॉय ड्रोन क्यों ना हो, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ बिगनर 4-5 हज़ार रुपये वाला, वो भी अगर है तो उसके लिए रूल बना दिया गया कि आप परमिशन लें। और एक तरफ तो आपने रूल बनाया गवर्नमेंट ने, दूसरी तरफ जहाँ से वो परमिशन मिलनी है वो साइट पूरी तरह से अभी एक्टिव नहीं है। उस साइट का नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये साइट बनाई गई है कि ये आपको परमिशन देगी बाहर से ड्रोन इम्पोर्ट करने का, सारा कुछ उसमें तामझाम होगा, लेकिन वो अभी तक शुरू ही नहीं की गई है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्टिल वो फंक्शनल नहीं है। क्या है कारण? कारण मुझे ये लग रहा है, और काफ़ी डिस्कशन के बाद आपको बता रहा हूँ, कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, मतलब इंडियन प्लेयर का मतलब इंडियन बिजनेस प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं, उनको एज देना चाहती है। वो अभी इन प्रोसेस में है, वो ड्रोन्स बना रहे हैं कंपनीज, बट कंज्यूमर ड्रोन्स नहीं बना रहे हैं। मे बी आगे फ्यूचर में वो कंज्यूमर ड्रोन्स बनाएंगे। तो एक तरह से ब्रेक लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि बाहर की जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो मार्केट को डोमिनेट ना कर लें। अगर वो अलाउ हो गई तो ये जो इंडियन कंपनीज़ हैं, ये जब ड्रोन लॉन्च करेंगी तो काफ़ी पीछे रह जाएंगी, क्योंकि बाहर चाइना में इतने ज़्यादा तादाद पे ड्रोन्स बनते हैं, इतने ज़्यादा तादाद पे ड्रोन कंपनीज़ बनती हैं, और वो अच्छे ड्रोन बनाती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी का एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े हैं। कई जो चाइनीज़ ड्रोन्स हैं काफ़ी अच्छे रेट पे मिलते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर वो कंपनीज़ इंडिया में आ जाती हैं तो जो इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं ड्रोन मैन्युफैक्चर में, उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये जान के किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है ये स्टेप। आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में आप क्या समझते हैं इसे, और आपका क्या विचार है इस बारे में। मेरा विचार यही कहता है, और एक दो से मैंने डिस्कशन की है तो वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डोमिनेट हो जाएं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मोबाइल्स का, आज के ज़माने में मोबाइल्स को जैसे अलाउ किया गया, जित मैक्सिमम जो मार्केट है वो बाहर की कंपनीज़ की है, ये ओप्पो वीवो सब
बाहर से आके छाए हुए हैं, तो वही नतीजा ड्रोन्स का हो जाएगा अगर कंपनी ने, मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको अलाउ किया तो गवर्नमेंट फेवर कर रही है अपनी। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटा जैसी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये मेरे विचार हैं अपने रिसर्च करने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर कंक्लूजन यही किया जा सकता है कि काफ़ी अभी टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे, बट हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जल्दी इसको अलाउ करे, या फिर जो प्रॉपर तरीका आपने बताया है गवर्नमेंट ने कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से परमिशन लें और उसके बाद परमिशन ग्रांट होगी और उसके बाद आपको मिलेगा, या वो किया जाए। तो दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे परमिशन भी नहीं मिल रही है, और जो दो तीन ड्रोन्स लिस्ट किए गए हैं वो कंज्यूमर कैटेगरी के नहीं हैं, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं। और आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी रही है कि इंडिया में काफ़ी कंज्यूमर ड्रोन, मतलब जो आप जैसे, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो ड्रोन उड़ाने के एंथुजियास्ट हैं उनको भी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट कंज्यूमर ड्रोन्स, गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इज़ थिंकिंग ओनली अबाउट इंडस्ट्रियल ड्रोन जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। तो ये है, आप काफ़ी लोग मायूस होंगे कि काफ़ी टाइम लगेगा, मायूस मत हो, लोग अभी भी खरीद रहे हैं, मेरे पास अभी भी रोज़ ईमेल्स मैसेजेस आते हैं, 10 में से ऐसा आता है कि दो तीन कहते हैं हमारे पास ड्रोन सेफली पहुंच गया, 4-5 कहते हैं हमारा अड़ गया। तो 60-40 या 70-30 का रेशियो है, 70 अनसक्सेसफुल रहते हैं इम्पोर्ट में, 30 का आ जाता है किसी तरह से, लकी रहते हैं वो। तो मेरा सजेशन ये नहीं है कि आप इम्पोर्ट करें, मेरा सजेशन यही है जो भी अवेलेबल इंडिया में है डीलर्स के थ्रू वही ड्रोन आप लें, और वेट करें। अब और कोई सुझाव और कोई तरीका है नहीं है, ओनली वी हैव टू वेट। तो बस आज यही कुछ बातें करनी थी आपसे। तो ग्रेन इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, ज़ियोन ग्रेन M2 के वीडियोज़ मैंने दो तीन डाले हैं, तो आगे भी डालेंगे, और इट्स वर्किंग फाइन। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिए इस कमेंट बॉक्स में ताकि हम डिस्कशन इस पर अच्छे लेवल पे कर सकें। मैं आई ऑलवेज रिप्लाई टू माई कमेंट्स, जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है हमारे चैनल पे, जिसपे मैं वो क्वेश्चंस ऐसे बोल के डिस्कशन की तरह हर एक का क्वेश्चन ले जाता है, और उसके बारे में जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है एट दैट टाइम वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।